कितने की थाली मिलती है आपके पास भाई? कितने की थाली मिलती है? यार कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आंटी कितने की थाली मिलती है? 3,000 की। 30 रुपया के जी। 30 रुपए में कुछ मिल नहीं रहा है, बस अपनी फैमिली गुजारा कर लेती है। यहाँ से अगर थोड़े दूर जाएंगे तो 60 रुपए केवल चिकन आएगा। कस्टमर खाना खा के अगर खुश हो जाते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। टिप भी देके जाते, कहते हैं आंटी इतने में तो हमें वेज खाना भी नहीं मिलता है, आप हमें नॉन वेज खिलाती है। सस्ता नहीं खिला रही हूँ मैं, यहाँ धूम मचा रही हूँ, खा के मजा आ जाएगा। गाँव से आ रहे थे, एक जगह 150 रुपए थाली थी, वो भी लग रही थी जैसे कल की बनी हुई हो। आइए हमारे शॉप पे और एक बार ट्राई कीजिए, सेवा का मौका एक बार जरूर दीजिए। तो भाई 50 रुपए में तो वेजिटेरियन नहीं आ रहा, यहाँ तो नॉन वेज खिला रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी, पेट भी भरता है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत अच्छा खाना है, कोई ज्यादा मसाला नहीं, कोई मिर्च नहीं, जनरल जिसे कहते हैं। ये कौन सी मछली आंटी? ये पंगास मछली। ये क्या अभी इनकी सफाई कर रहे हो आप? इसकी सफाई करके बनता है। कितने पानी से धोना पड़ेगा? ये 3-4 पानी धोना पड़ेगा। आंटी कितने रुपए किलो आती है मछली? 140। यहाँ कॉम्पिटिशन चलता है, बढ़िया माल, सस्ता खाने वाले को प्रॉफिट है। हम सामने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है मिलावट नहीं होता है, और लोग जैसे उल्टे सीधे सामान डाल के बना देते हैं, लेकिन हमारा सारा चीज अच्छे से बनाते हैं क्योंकि ये खाना हमें भी खाना होता है। तो अब क्या हो रहा है आंटी? अब ये मछली फ्राई हो रहा है। तो आंटी कितना पकाना पड़ता है? कस्टमर के हिसाब से, अब जैसे जितने कस्टमर आते हैं, हमारे पास 50 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, उसी के हिसाब से लिमिट से बनता है। अभी इसका मसाला भी रेडी करोगे? मसाला तो रेडी करेंगे, अभी फ्राई कर रहे हैं। अरे वाह, तो मछलियाँ बिल्कुल फ्राई हो गई। हाँ जी, एकदम इनकी रंगत ही अलग हो गई। सारी हो गई आंटी रेडी? अब बस थोड़ा और फ्राई कर लूँ, फिर तरी तैयार करेंगे। आंटी साफ सफाई का भी मतलब पूरा ध्यान रखते मैडम जी, ये क्या करे, पानी लग गया नाली में ना, साफ सफाई के ध्यान से कस्टमर आते हैं। आंटी ग्रेवी बन गई शानदार एकदम। ये क्या डाल रहे हो आंटी? टमाटर डाल रहे हैं। हर चीज मैंने यहाँ पे देखी, सारी की सारी जो चीज आप अपने हाथ से बना रहे हो उसमें जो कलर है वो बिल्कुल अलग सा आ रहा है, ताजा बनता है एकदम। क्या क्या डाल रहे हो आंटी? हल्दी एड कर रहे हैं, ये मिर्ची डाल रही हूँ। आंटी ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे नोएडा सेक्टर 66 की मास्टर शेफ। अब आप तो देख ही रहे हैं, ये देखो पड़ोसी भी कितने खुश हैं। देखो मुझे बताओ, आप इतनी फेमस हो यहाँ पे, लोग आते होंगे आपसे मिलते होंगे, बोलते होंगे कि स्वाद कैसा है? हाँ, बोल के जाते हैं कि आंटी जी आप 2 दिन दुकान बंद हो गया तो मतलब ये सुबह से शाम तक आदमी परेशान कर देते हैं। खाना खाते है ना, कस्टमर कहते हैं कि आंटी जी यहाँ खाना खाने से घर के याद आ जाते हैं, माँ के हाथ के खाना खाते है ना वो याद। आपके मजदूर बहुत है, ये दुकानदार भी बहुत है, वो सोचते कि ये 50 के खिला रही है अंडा तो हम 40 से खिला दो, स्वाद नहीं दे पाएंगे, नाम है अंडा है। कहते पैसे भी दो, लाइन लगा के मतलब ये खाना भी दो। करी वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए होती है, ग्रेवी तो दे देते हैं? देते हैं जी, दिल बहुत बड़ा बनाए भगवान, यहाँ भीड़ जमता है, जनता खुश हो जाते हैं, 60 रुपए में हमारा इतना अच्छा खाना मिल रहा है। यहाँ से अगर थोड़े दूर जाएंगे तो 60 रुपए केवल चिकन आएगा। नहीं कहते हैं कि कस्टमर खाना खा के अगर खुश हो जाते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए हमारा ग्रेवी के सबसे ज्यादा लोगों को पसंद क्या आता है? चिकन मछली, ये दोनों फेवरेट है, हम तो नहीं खाते हैं। यार ये बड़ी कमाल की बात है कि आप खाते नहीं हो लेकिन बनाते हो। पहले खाते थे, ये 2 साल हो गए हमने छोड़ दिए, ये टीवी पर अनुराग दास के भजन कीर्तन चलता था ना वही देख करके हमने छोड़ दी। अंडा करी बन रही अभी है, बहुत पसंद कर, जो भी आएंगे अंडा तरी है आंटी जी, तो यहाँ है तो हाँ है, नहीं है तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे अब इसमें? अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हो? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के आंटी आप? बिहार छपरा। तो उसी स्टाइल का बनाते हो बिल्कुल। आंटी एक बात बताओ, और भी नॉन वेज की दुकान है यहाँ पे? हाँ, बाकी वो सब साफ सफाई नहीं रखते, मतलब आपके पास साफ सफाई पूरी मिलेगी एकदम? हाँ जी हाँ जी। और स्वाद भी मिलेगा एकदम? एकदम स्वाद मिलेगा। जैसे और दिन है तो और दिन ज्यादा बनता है, ये इतना ही बनता है? बाकी दिन तो ज्यादा बनता है, मंगलवार को कम बनता है। मंगलवार को बनाते हो आप? कस्टमर मांगते ही बनाना पड़ता है। अंडा करी भी बहुत चलती है आंटी? हाँ। यहाँ पे इसमें पानी भी डाल दिया, ग्रेवी भी करनी होती है इसमें? हाँ जी, ग्रेवी करेंगे तभी तो अंडा तरी होगा। इसमें धनिया डालेंगे, ये गरम मसाला ऐड करेंगे, बाद अनुसार नमक डालेंगे। अब ये तरी उबलेगी और? हाँ, उबाल के जब उबाल आ जाएगी। फ्राई किस में होगा? इसी कढ़ाई में? हाँ, इसी में करेंगे। को आइडिया कैसे आया? बनाते बनाते बेटा आइडिया आ जाता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया दुकान को आपके? 500। दूर दूर से आते हैं कस्टमर। मुझे बताइए आंटी, आपने इस जगह को कैसे चुना कि यहाँ पे हम अपनी दुकान लगाते हैं? हम लोग लेंसेस बना है, बेंडर जून है, अब तैयार हो गया, अब अंडा फ्राई करके रख दिए, निकालते जाएंगे डालते जाएंगे। मुझे बताइए कैसा तवा है? ये रोटी बनाने की है, ये हमने मार्केट से लिया और ये अलग से स्टैंड को इसमें अटैच करवा दिया, क्योंकि मैंने इस तरह का तवा आज तक नहीं देखा बिल्कुल। मुझे बताओ इतनी फूली फूली रोटियां बन रही है? हाँ, ये है चावल, ये चिकन हो गया हमारा,
ये अंडे कड़ी है। ये मुर्गी का है? मुर्गे का है? ये मुर्गी का अंडे है। ये हमारी दाल फ्राई है और ये हमारी सब्जी है, आलू टमाटर की सब्जी है। ये हमारी वेज की सब्जी है, आलू घिया की। एक थाली में हाफ चावल, चार रोटी, दो पीस अंडे 50 रुपए में, चावल, दो पीस चिकन, चार रोटी 60 रुपए में, चावल, दो पीस मछली 60 रुपए में, और वेज थाली में चावल, सब्जी, दो सब्जी मिलेगी, एक दाल मिलेगी, चावल और रोटी मिलेगी 30 रुपए। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है, इसकी वजह से इतना सस्ता खिलाना पड़ता है। सेवा कर रहे हैं बस एक तरह का, मतलब नोएडा जैसी महंगी जगह में 30 रुपए में कुछ मिल सकता है? 50 रुपए में दिल्ली में बड़ा पाव खाओगे तो उसका भी पेट नहीं भरेगा, और यहाँ पे हमारी दुकान पे आइए, 30 रुपए में पेट भर जाएगा। 30 रुपए में चावल, दो सब्जी, एक दाल, चार रोटी। मजाक नहीं कर रही, आप खा के ट्राई करके देखिए। ये अभी लगा रही चिकन की थाली, ये 60 रुपए वाली है। हाँ, सैलेड भी है, चार रोटी भी है, रोटी भी एकदम फुली फुली बढ़िया से पकी हुई, बढ़िया चारों तरफ से। चिकन के अलावा मछली फिश रहती है जी, अंडा तरी रहता है। अंडे कितने वाली थाली है ये? 30 रुपए के साथ हम जनता के पेट भर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। चार रोटी, चावल, दो सब्जी, एक दाल, सलाद 30 रुपया में, खा के मजा आ जाएगा। सर यहाँ का एड्रेस होगा बेंडर रोड, सर्कल 4, सी ब्लॉक, सेक्टर 65।